कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं नहीं प्रभ सब किश तेरा, मैं नहीं प्रभ सब किश तेरा, एक निर्गुण उगै सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। कहो नानक हम यह हवाला,
संतन के पाछे राख संतन के पाछे हम ऐसे तू ऐसा मादो हम ऐसे तू सत्संग जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सफलिया करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तों छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सफलिया करन दी खेचला जानी कृपालता करतां ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहीदा है। सिख की जिंदगी गुरु चरणा च शुरू होके एक गुरु चरणा विच ही खत्म हो जाती है। कबीर मोहे मरने का चाव है किड़ी वड़ी गल है गरीब नवाज जे मैं जीवां ते तेरे चरणा विच जीवां जे मैं मरां ते तेरे चरणा विच मरां। मोहे मरने का चाव है दुनिया दे लोकी किसे दे घरे बच्चा जन्म लै लवे तां लोकां दे मनां विच आम दुनियादारां दे मन विच चाव हुंदा है किसी के बच्चे बच्ची की शादी हुए मन में चाह हों चंगा मकान चंगा घर
कोठी बना लवे, गुरु किसम मन च चाह हुंदा कोई चंगी प्रॉपर्टी बना ली जाए, खरीद ली जाए, मन में चाह हुंदा चार पैसों की कमाई हो, मन में चाह हुंदा पर किसी के घरे किसी की मौत हो जाए, किसी के मन में चाह नहीं हुंदा। पर कमाल की गल है, इत्थे नाम के जपण वाले ने, वाहिगुरु परमेश्वर के प्यारिया ने, वाहिगुरु के आशकों ने, गरीब नवाज जे जीए तो तेरे चरणों में जीए, जेकर मरीए तो तेरे चरणों में मरीए। सत्संग जी, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। गरीब नवाज, मैं मरा तो तेरे चरणों में मरा, जे मैं जीवा तो तेरे चरणों में जीवा। सत्संग जी, जिन्हें सतगुरु पातशाह जी अपना बना लिया, असं कही जाते हैं अमर छको गुरु वाले बनो। सिख जो अमृत छक लेंदा गुरु वाला बन जाता। माफ करना, यह सिख की जी ड्यूटी है। जिमें असी किसी जहाज के बह जाइए, टिकट ओके करा के जहाज बैठ जाइए, सत्संग जी सानू साड़ी मंजिल तक पहुँचाने की ड्यूटी है, जिड़ी गुरु किसम पायलट की हो जाती। माफ करना, गुरु किसम जहाज वाले की हो जाती। इस तरह किसी मलाह के बेड़े च बैठ के किसी दरिया पार करना हो, बैठ जाइए, दरिया तो पार करने की ड्यूटी मलाह की हो जाती। जे आप अमृत छक लीए तो लोग परलोक की जी ड्यूटी है, साहब गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हो जाती। तदे पातशाह ने कहा सी, रहनी रहे सोई सिख मेरा। असी अक्सर कहते हैं कि साढ़े बच्चे किराए पै गए हैं। मैं बेनती कराँगा नौजवान वीरां नूं, गुरु प्यारे, जे आप अमृत ना छकिया, घट्टो घट गुरु की सिख विचार का ही बंदा, जे आप अमृत ना छकिया विचार करके वेखो कि साढ़े आने वाले बच्चे अमृत छकणगे, कि सानू यकीन है कि साढ़े बच्चे अमृत छकणगे, कि सानू यकीन है कि साढ़े बच्चे, सत्संग जी माफ करना, कि साढ़े बच्चे केस रखणगे। पिछले साल की गल है, दस दिए प्रधान जी और एक गल चली लगे कह कि बच्चों बारे सोचो, नहीं सत्संग जी सिख्या वड्डियां तो छोटियां मिलिया करती है। कह दो बैठो, जे टीचर ने कुछ नहीं आता होगा तो वह सब सं बच्चों की पढ़ावेगा। उत्थे समागम रखा गया गुरु की संगत बठिंडे दे विच, कि सत्संग जी बच्चों, बच्चों का समागम रखा गया कि बच्चों नशियां तो रोको, बच्चों माड़े पासे रोको जी, बच्चे कि सिखी तो दूर होंगे जा रहे हैं। जो गल चली, चार गुरु की संगत सारे सज्जन स्टेजां ते अपना अपना समां दे के गए। जो दास की वारी आई, दास ने एको गल कही, नहीं तुसी बच्चों के समागम ना करो, तुसी बच्चों के कैंप ना लाओ, तुसी बुढ़िया के कैंप लाओ। जे बुढ़े शराब छड़ जाएंगे, जे बजुर्ग शराब छड़ जाएंगे, जे बजुर्ग सिखी के राह चल पड़े, बच्चों तोरना कोई औखा नहीं। दस इन्ह कंट्रिया में वेख लिया। मैं बेनती करता मातावान भैनों, अपने बच्चों रोज़ गुरुद्वारे लेके आया करो। कह दौ वह जो इतने का हालात है, बच्चा माँ बाप ने सास बच्चे गुरुद्वारे नहीं लैके आवान, इट इज नैचुरल थिंग। जो बच्चा 5 साल का हो जाता स्कूल चले जाना, स्कूल तो बाद बच्चे ने अपनी पढ़ाई वाल किया, नहीं सास समय चो समा कढ़ो। माफ करना, जे आप विचार करके वेखीए तो आप सारे कह देंगे कि साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गुरु की संगत 4 साल की उम्र है, पहुंचो गुरु की संगत पटना साहब की धरती से। एक गल को समझा लगे कई कई दलील देनिया पैदा ने। गुरु नानक ने अपना बचपन किवें बताया, कह दो वाहिगुरु। दसवें पातशाह ने अपना बचपन किवें बताया, महाराज गुरु गोबिंद राय जी। पहला नाम गुरु गोबिंद राय से। गुरु गोबिंद सिंह तो उदों होए ना जदों अमृत छक के सिंह सजे। माफ करना, नित कहते हैं माता गुजरी जी, हजूर का छोटा जा जीवन, छोटी जी उम्र है। पातशाह 4 साल की उम्र च गए, जो 4 साल की उम्र च गए, किसी प्रेमी ने, किसी श्रद्धालु सिख ने गुरु की संगत गोबिंद राय जी वास्ते ना बड़े बहुमुले 700 सोने के कंगन कड़े कर जड़े हीरिया के लादा ने जड़े हुए सन। कमाल की गल है, गुरु की खेड वेखो तो अपने बच्चों की खेड वेखो। कह दो वह माफ करना, बचपन तो लैके दसवें पातशाह ने, जन्म समय तो लैके गुरु की संगत स्टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी दे जितने समय मात लोग की धरती से, मेरे कहण तो भाव 40 साल 11 महीने 24 दिन की शरीरक उम्र जो मात लोग की धरती से बचाई, बाजा वाले खालसा जी शिक्षा देंदे गए, सिक्ख्या ही देंदे गए, लैसन ही देंदे गए। माफ करना, तो असी जरा ध्यान देना पवेगा। कंगन बड़े बहुमुले ने, गोबिंद राय जी अपने हाथों से गुरु की सन वो जो कंगन सन हमेशा रखते, कड़े हमेशा रखते, बड़े बहुमुले कड़े ने, बड़े बहुमुले कंगन ने,
खालसा जी ये कोई शक नहीं ही रहा लागा मैं जड़त को कंगन पहन के पातशाह अपनी नाल दे उम्र दे हाणी बच्चिया में छोटे छोटे बच्चों के नाल चोजी प्रीतम अपने चोज करन वास्ते जाते हैं कह दो बहरू चोज करन वास्ते जाते हैं वह कोई झूठ की खेड़ नहीं वह सच की खेड़ सी। एक दिन नाल दे साथी बच्चों नाल ना अपने चोज करते करते चोजी प्रीतम ने खालसा जी सज्जे हाथ का कंगन ना खब्बे हाथ ना उतार के दरियाए कंगा दे ऐ चला के मारिया। बड़ी समझने वाली गल है, आम लोग साखी समझते हैं, यह साखी नहीं, यह सिख की जिंदगी बदल का एक बहुत वड्डा त्याग सी। खालसा जी एक बहुत वड्डे त्याग की गल सी, माफ करना जिन्हां हत्थां नाल कदे खंडा खड़काउणा सी, जिन्हां हत्थां नाल कदे तलवार चकनी सी, जिन्हां हत्थां नाल खालसा पंथ साजना सी, बाजा वाला कित्थे चाहुंदा सी, उन्हां हत्थां दे विच सोने दीआं जंजीरां पैण कर सोने दीआं जंजीरां दे बंधन पैण। धन गुरु गोबिंद सिंह तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया, अकाल पुरख दी यारा मूर्त गुरु गोबिंद कहाया। बाजां वाले ने अपना बचपन किवें गुजारिया, अज साडे बच्चे अपना जीवन कित्थे गुजारदे आ, कित्थे बच्चे ने जे उठना है अमृत वेले सवेरे उठना ते पहला टीवी अगे बहना, शाम का जिहड़ा समा कि बच्चे नूं गुरु नाल जोड़न का समा, जे मां नितनम करे जे मां नित बाणी पढ़ेगी बच्चे नूं कहेगी बेटा तू मेरे कोल बैठ के वाहिगुरु में रुको, बेटा मैं बाणी पढ़ते तू बाणी सुन, जे मां टीवी कोल बैठी है माफ करना भुल जाओ कि तुहाडा बच्चा वाहिगुरु में रुको कहेगा। खालसा जी ये भुल जाओ जे प्यो दे हाथ विच शराब की बोतल है, भुल जाओ कि तुहाडी औलाद कोई शराब छड्डेगी, माफ करना जे प्यो ने भागां वाले परिवार ने दास का वाह भी पैंदा, जिन्हां परिवारां दे विच बड़ी चेंज आ रही है गुरु कृपा करे तुसीं सारे गुरु के राह ते चल पो। कहिंदे कंगन चला के दरियाए कंगा विच मारिया, माफ करना नाल दे साथी बच्चों वास्ते कंगन बड़ा कीमती सी, कंगन बड़ा बहुमुल्ला सी, बड़ा महंगा सी, पर गुरु साहब वास्ते कंगन गुरु की संगत मिट्टी के बराबर सी, क्योंकि कंचन माटी मन है। माफ करना नाल ते बच्चे दौड़े आए कित्थे, मां गुजरी नूं आके आख्या, मां माता गुजरी एक गल दसी है, मां गुजरी ने आख्या हाँ बेटा की गल है, माता जी वह गोबिंद राय जी ने, वह गोबिंद राय जी ने कंगन सी जो सज्जे हाथ के कंगन सी ना, वह कंगन उतार के गोबिंद राय जी ने उतार के दरियाए गंगा विच चला के मारिया। माता जी लगे कहन है कंगन तो बड़ा कीमती सी, पर मां गुजरी गोबिंद राय तो अपनी जान तो वध प्यार करते सन। लोरियां अज दियां मावां भी दिंदियां ने माफ करना, बच्चे गोदी चला के वह कुत्ता आ गया, वह बिल्ला आ गया, उस चो माफ करना गुरु की संगत गिदड़ आ गया, पर कदे मां मां गुजरी गोबिंद राय जो लोरिया दिंदी सी ना कभी छोटे होंदे पढ़ते होंगे सर, मां गुजरी क्या करती सी, वे मेरे प्यारे आवे राज दलारे आवे, मेरे प्यारे आवे राज दलारे आवे, मां दिंदी है लोरी बनी तू राखा देश दा वे खंडे दा मोरी। खालसा जी कदे मां गुजरी ने इहोजी सिख्या देनी, गुरु की संगत मां दी गोद, मां दी गोद, मां दी गोद बच्चे की जिंदगी की जीवन की गोद है। मां अपने बच्चे नूं तारू सिंह बना सकती, मां अपने बच्चे नूं भाई मणि सिंह, मां अपने बच्चे नूं बाबा दीप सिंह, मां अपने बच्चे नूं सुखा सिंह महताब सिंह बना सकती, मां अपने बच्चे नूं गुरु की संगत अपने बच्चे नूं भाई दया सिंह बना सकती, धर्म सिंह बना सकती, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई हिम्मत सिंह बना सकती। माफ करना गुरमुख मां अपने बच्चे दियां आंदरां गलां विच पा सकती, कह दिओ बहरू गुरमुख मां अपने बच्चों के टुकड़े भी गलां विच पा के यह गल कह सकती, धन है बच्चा, धन है बच्चा, मरता दुनिया ते तू सब ने जाना, पर धन धन है बच्चा, धन है मेरा बेटा जिहड़ा जमदे ही धन दे लेखे लग गया। खालसा जी एक गुरमुख मां यह गल कह सकती है, पर बड़ी कमाल की गल है, बड़ी कमाल की गल, मां मां गुजरी लोहरी दिंदी बनी तू राखा देश दा वे खंडे दा मोरी। गुरु की संगत मां गुजरी नूं जद बच्चों ने आख्या माता ओ गोबिंद राय जी कंगन कड़ा इन्ना बहुमुल्ला सच्चे हाथ दा कंगन उतार के गोबिंद राय जी ने दरियाए गंगा विच चला के मारिया। कहिंदे मां गुजरी ने टोबे दे नाल सास ने बच्चे नूं कहदी चलो अगे गोबिंद राय जी तुरे आ रहे सी। माफ करना खालसा जी माफ करना, कैंसर दा मरीज, कैंसर का मरीज जिवें गुरु की संगत, माफ करना उहदा इलाज नहीं है कैंसर के मरीज का,
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਮੰਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਜੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਲਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਲਾਸੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਲਾਸੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਏ ਵਾਏ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫਾਰ ਏ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਨੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਲਿਸਨ ਦ ਟਾਕ ਆਫ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ? ਸੁਣੋਗੇ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮਜ਼ਾ ਤਦ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਧੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੰਮੀ ਪਟਨੇ, ਇਹ ਜੰਮੀ ਪਟਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੀ ਪਟਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜੰਮੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਬਾਝਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਛੁਟਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਟੋਬੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਆਹ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੈਣ।
माता गुजरी जी गुरु के शब्द छोट माफ करना बच्चा नु ना लेके ना नाव तो टोपे लेते दरिया गंगा वाले पासे तक तुर पे अगु चोजी प्रीतम अपनी मौज चार है माफ करना खालसा जी पातशाह दी मां ने माता गुजरी ने अगे वध के आख्या वे गोविंद राय ओ कंगन बड़ा बड़ा कीमती सी कंगन बड़ा बमुल्ला सी बेटा क्योंकि प्यार करदे सन खालसा जी लाडला पुत सी जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत आख्या में बेटा गोविंद राय ओ कंगन कितने सटे है चल कोई नहीं जे सड़ दता मैं दस कितने सटे है मैं टोबे ना लेके आई हाँ मैं जिथे कंगन सटे है इन्हें टोबे पासों कढ़वा देनी है पासों कंधे चल मां मैं दसदा खालसा जी माता ने सज्जे खब्बे कंधे तू फड़ के गोविंद राय जी ना लेके माता जी तुरे जा रहे हैं तो सज्जे हाथ ना चोजी प्रीतम अख बचा के खब्बे हाथ का कंगन उतार ने कड़ा जो तो खब्बे हाथ का कंगन ज कड़ा उतार के गुरदेव ने सज्जे हाथ च फड़ लिया दरियाए गंगा के कंढे च पुजे मां पुछदी वे गोविंद राय तैं ओ कंगन कित्थे सटिया खब्बे हाथ का उतारिया कंगन सज्जे हाथ च पकड़िया होया सी कंगन ज कड़ा चला के दरियाए गंगा च मारिया आख्या माता पहला कंगन इत्थे सुटिया सी ते दूजा आ मां ने आख्या धन गुरु गोविंद सिंह धन गुरु गोविंद सिंह ओ सिंगा धर्म की किरत करनी ते वंड के छकना तेरी जिंदगी है अमृत वेले तू तेरा जीवन शुरू होंदा ओ सिंगा माफ करना की हो गया जे तू अमृत धारी है जे तू बाणी पढ़दा जे तू नितनम करदा जे तू सिमरन करदा अरदास करया कर जे घर च गरीबी है ना ऐ अरदास करया कर किवें कह दियो वाहिगुरू एक बारी फिर कह दियो एक बारी फिर कह दियो वाहिगुरू करया कर गरीब नवाज की हो गया मेरे को चार पैसे ने पैसों की कमाई नहीं की हो गया मेरे को बहुता आम लोगों की तरह चंगा घर नहीं एक दिन घर वाले दे भी घर नहीं रहने ये दुनिया रहन बसेरा ना तेरा ते ना मेरा कलगियां वालिया की हो गया जे मैं बहुता धन नहीं कट्ठा कर सकिया की हो गया बाजा वालिया माफ करना सतगुर सच्चे पातशाह मेरे को कोई बहुत ही प्रॉपर्टी नहीं अरदास करया कर बाजा वालिया तेरी सिक्खी तो मेरे को है तेरी सिक्खी तो मेरे को है तेरा नाम तो मेरे को है मेरे को वस्तु जिदी दुनिया में किसी माफ करना जे वो मेरे को बहुमुली वस्तु है जिदी दुनिया में कोई कीमत नहीं दे सकता ना मैं की वड़ियाई जिस कीमत कहना जाई माफ करना जब पातशाह ने कंगन चला के दरियाए कंगा विच मारिया चला के मारिया माफ करना ते माता गुजरी जी ने आख्या ओह प्यार बड़ा करते सन कह दो वाहिगुरू पुत भी ते आम पुत नहीं सी ना प्यार बड़े करते सन माता कुदरती सत्संग जी मां ने आख्या वे बेटा गोविंद राय आ की कीता माता ने आख्या बेटा गोविंद राय तू ते सानू एक दिन को याद के छड़ेगा ये बड़ी बड़ी गल सी कह दो बड़ी बड़ी गल सी एक मां की कह रही एक पुत की कह रही एक मां की कह रही एक पुत की कह रहा माता ने आख्या वे बेटा गोविंद राय तू एक दिन सानू उजाड़ के छड़ेगा ते अगों पातशाह ने जवाब दिता माता तुहाडा वचन सत होवे माता तुहाडा वचन सत होवे मां ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਪਰਿਪੂਤ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਜੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਸੇਗਾ ਮਾਂ ਨਾ ਟੱਠੇਗਾ ਨਾ ਟਹਿਣਾ ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟੱਠੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਸਕਦਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ
भगतां की चाल नराली, गुरदेव की चाल देखो, चाला तां नराली, भगतां केरी पिख नूं मार के चलना। पातशाह सवा क चार साल देना छोटे छोटे तीर बल्ले 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 लोहार नूं सद के बनवाला। माफ करना गंडेले चलाने शुरू कर दते। माफ करना शहर विच कि छेती कित पानी नहीं सी मिलता, माता गुजरी दे घर पैंदी, अज भी वह खूह पटना साहब दियां जड़ां दे विच गुरु घर दे नाल ही है, जिथों तुरकां दियां लड़कियां पानी लैण वास्ते आउंदियां। पातशाह ने गंडेले बना के ना घड़ियां दे उत्ते छड़ने ते उहनां दे घड़े भन्नणे शुरू कर दते। तुरकां दियां लड़कियां ने आके, तुरकां दियां औरतां ने आके उलांभे देणे शुरू करते, माता तेरा लाडला साढ़े घड़े भन्नदा। माता ने आख्या माफ करना, आख्या कोई नहीं बच्चा समझावांगी। दूजे दिन फिर आए, फिर गलेला मारना, घड़े का निशाना करके घड़ा भन देना। तीजे दिन मां ने आख्या वे गोबिंद राय तेरे लांभे बड़े आते हैं, तू घड़े भनदा। पातशाह कहंदे आ मां अजे तो मैं इन्हां दे घड़े भनने ने, अजे सिर भी भनने ने। धन गुरु गोबिंद साहब आपदी जी दियां खेडां चोजी मेरे गोबिंदा, मां अजे तो मैं अजे घड़े ही भने ने, यह तो मेरी एक प्रैक्टिस हो रही है। माफ करना गुरु की संग माता ने आख्या बेटा बेटा गोबिंद राय, बेटा गोबिंद राय तेरे उलामे बड़े आंदे आ। खैर तीजे एक दिन माता ने इन तुरकां दियां औरतां नूं लड़कियां नूं जो गली गुआंढ खब्बे सज्जे जल लैण वास्ते आउंदियां सी, खूही अजे भी मौजूद है जिहदा जल मिठा सी, कहिंदे ने मां गुजरी ने इन्हां नूं सास पित्तल जां तांबे दियां गागरां लिया के दित्तियां, पर मां मां नूं की पता सी उहदी कुख जूतां। उस अंतर जामी गुरु ने अवतार धारण कीता, माफ करना जिस दे तीर दी मार थे के बड़े बड़े सूरमिया दे सर झुक जाणगे, इतिहास ऐसा ही दसदा है। कह दे वाहिगुरू, इतिहास ऐसा ही दसदा है। माफ करना जरा ध्यान देना पवेगा, जदों माता ने तांबे जां पित्तल दियां गागरां दित्तियां ना घड़ियां दी थां ते, ते अज पातशाह ने लोहार दे पासों लोहे दे तीर बनवा लै। जदों लोहे दे तीर बना लै ते इह गुरु की संगत औरतां नित रोज दी तरह जो जल लैण वास्ते आउंदियां सन, जदों जल लैण वास्ते आईआं हजूर ने रख के कमान ते लोहे दा तीर करके गागरां दे निशाने नाल जद तीर छड्डे, गागरां दे विच सराफ हो गया ते पानी शर शर करके वगण लग पिया। माफ करना ते उस मौके गुरु की संगत माफ करना कहंदे ने इह तुरकां दियां औरतां जां गली गुआंढ दियां जिन्हां भी तुरकां दियां लड़कियां जल लैण वास्ते आउंदियां सन, आके आखिया आख्या माता जी अज ते तेरे भाग तेरे लाल ने, तेरे भाग ने, माफ करना तेरे लाडले ने साडियां गागरां दे विच भी तांबे जां पित्तल दियां गागरां विच भी सुराख कर दित्ते। माफ करना बड़ी समझण वाली गल है। कहंदे ने माता ने आख्या होर लै जाओ। उस मौके गुरु साहब ने आख्या गोबिंद राय तेरे नित रोज लांभे आउंदे ने, माफ करना रब करे इस खुशी का पानी खारा हो जाए ते ना ये पानी लैण वास्ते आउण, ते माफ करना ना इत्थे कोई झगड़ा वाद वाद खरा होवे। कर माता गुजरी का बचन कितने बिरथा थोड़ा जाणन सी। खैर जदों खुशी का पानी खारा हो गया गुरु की संगत तां उह लागे जागे साध संगत जी माफ करना जरा ध्यान देना पवेगा, सात संदूकों में भज दौड़ मच गई। उस मौके गुरु की संगत फिर सारे लोगों ने कट्ठे होकर माता गुजरी नूं बेनती की, माता जी सारे परेशान हो गए, कृपा करो खूही का पानी जो खारा हो गया ये पानी मिठा हो जाए। मुक दी गल की गुरु साहब की कृपा नाल फिर गुरु की संगत को जल मिठा होया, जिहड़ी खूही का पानी अज भी मिठा है। समा पीता तुरिया गया, संगो जरा ध्यान देना पवेगा। एक बारी कह दो पातशाह की उम्र पौने एक पांच साल की हुई है, गुरु गोबिंद सिंह का बचपन कह दो पांच साल की उम्र, माता माफ करना पातशाह की पांच साल की उम्र हुई ते माता गुजरी नूं कहंदे आ मां आपां बिहार छड चलीए, पटना छड चलीए, साडे काम पंजाब दी सिखा नहीं आउणा, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਉਡ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ
माता साडे काम पंजाब दे सिखा ने आउणा, पंजाब दे सिखा ने मां पटना छड चली गए, मां बिहार छड चली गए। मां ने कहा भाग जी लाल जी आ बिहार दे सिखां दी शरदा वेखो। गुरदेव ने आख्या मां बिहार दे सिखां दी सिखी मलमे दी सिखी है। मलमा कहते ने मिलावट की सिखी, उत्तू होर विचू होर अमृत भी छके ने, गलों में गात्रे भी पाए ने, जिमें कई मेरे वीर शराबा भी पी जाते हैं। कोई सिखी थोड़ी है, यह कोई सिखी थोड़ी है। गुरुदेव ने आख्या माता साढ़े कम बिहार के सिखा ने नहीं आना, बिहार की सिखी मलमे की सिखी आ, साढ़े कम पंजाब के सिखा ने आना। माता ने आख्या भाग जी भला कोई अपनी जन्म भूमि भी छड़ता, कोई अपनी जन्म भूमि भी छड़ता है आ बिहार के सिखा की शरदा से देखो। गुरदेव ने आख्या माता मैं तेन कह दिता कि बिहार की सिखी मलमे की सिखी आ। कहते ने माता ने फिर आख्या इन्हों की शरदा से देखो, उन्हें समय च मसंद होंगे सन, पातशाह ने बलकारी मल ना दे बसंत नू सद्या, बुलाया आख्या भी मतलब बलकारी मल इंज कर भी साढ़े बैठन वास्ते ना एक चार फुट लंबी इन्ने फुट लंबी इन्ने फुट चौड़ी एक सोने की पालकी बनाई जाए। वह सोने की पालकी ना जिद तो प्योर सारा सोना ही लगा हो, कोई मिलावट ना हो, उस पालकी बैठ के ना पालकी चार सिखा के कंध्या चकवा के सैर करने वास्ते जाया करांगे। बलकारी मल मसंद ने आख्या गुरु की संगत आख्या सत बचन जी कह गुरु की संगत दो महीने लगे उस पालकी बनने वास्ते तैयार करने वास्ते। जो पालकी तैयार हो गई ना माफ करना पालकी लिया गई, पालकी वाल वेख के ना माफ करना। माता गुजरी ने आख्या वेख्या वेख्या भाग जी पालकी किन्नी सोहनी आ, किन्नी बहमुली पालकी आ, देखो पालकी किन्नी सोहनी तैयार करवाई गई। तो गुरदेव कहते मां तेन हूने दिखा दें, मंगवा के पांच लीटर मिट्टी का तेल पालकी का सड़ दिता गया। बाजा वाले पातशाह ने अपनी पौने पांच साल की उम्र में उस पालकी अग ला दी। जो अग लाई गई सवा किलो सोना ते बाकी सब पित्तल। आख्या मां तेन आख्या सी ना इत्थे दी सिखी मलमे दी सिखी है। सिंह बतायत भी असी पंजाब की हिक ते जमे पड़े हैं, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कृपा करोगे कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू। पिता पर पूत नसल पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा, किसी का प्यो चंगा हो अगे अनाज ने लह के निकल पवे। दुनिया के लोग कहें तेरा प्यो बड़ा चंगा सी, कह दो कहते ना वह कहें तेरा प्यो बड़ा चंगा सी, माफ करना हो तू कि गया। माफ करना अपने प्यो वाला अपने बजुर्ग वाला एक अद्धा गुण तो पोते च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने की पंजाब की धरती से किया, साढ़े पातशाह पंजाब की धरती से की करते रहे। पौने पांच साल की उम्र च गुरु बिहार छड़ सकता है, अपनी जन्मभूमि छड़ सकता है, पंजाब आए। माफ करना जे खालसा जी बाणी उच्चारण की थी ते पंजाब की धरती से, ठीक है ना, ठीक है ना सिंह, ठीक है ना। जे बाणी उच्चारण की पंजाब की धरती से, जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की भीड़ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप तैयार किया गया पंजाब की धरती से, जे गुरु ग्रंथ साहब का पहली बारी प्रकाश किया गया तो पंजाब की धरती से। माफ करना जे गुरु साहब ने गुरु गोबिंद सिंह ने पंथ साजिया तो पंजाब की धरती से, जे अमृत की दात बख्शी पंजाब की धरती से, जे हिंदू धर्म की रक्षा करने वास्ते अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर तो दिल्ली तोरिया तो पंजाब की धरती से, जे जंग लड़े पंजाब की धरती से, जे पुत शहीद हुए करवाए तो पंजाब की धरती से। खालसा जी वो उल्ट आप कर रहे हैं, जे शराबा पीतियां पंजाब की धरती से, जे केस कतल करवाए थे पंजाब की, अज भुक्कियां जरदे तंबाकू खाते ते शराबा पीतियां थे पंजाब की धरती से। भागा वाले जरा ध्यान देना पवेगा, गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। आह बाजा वाला प्रीतम मेरा खेडा कई खिलार गया, सरसा कंडे खेरू खेरू उसका हो परिवार गया।
माफ करना ध्यान देना पवेगा, ध्यान देना पवेगा, माफ करना। पुत की सारी पिता की सारी जिंदगी अपनी औलाद वास्ते लग जाती, पर इत्थे कदे इतिहास के पन्नियां नूं पढ़िया कर ओए सिंघा, तेरे गुरु की ते सारी जिंदगी तेरे वास्ते लग गई। खालसा जी कह दो बाजी, तेरे वास्ते लग गई, तेरे वास्ते, तेरे वास्ते लग गई, माफ करना तेरे वास्ते लग गई। जरा ध्यान देना पवेगा, भागम पालियो, अज किसी कही है शराब छड़ दो, कदर छड़िया नहीं जाना, कमाल की गल आ, कमाल की गल आ, छड़िया नहीं जाना। माफ करना गुरु किस अमर छक लो, रखिया नहीं जाना, माफ करना गुरु किस केस रख लो, रखे नहीं जाने। पर अज अज खालसा जी साडा जीवन जरा ध्यान देना पवेगा, एक बारी कह दो गुरु, पर गुरु माफ करना छड़िया नहीं जाना, अपने गुरु का जीवन वेखो। माफ करना उस सिंह पटना साहब कितने छड़न वाला सी, छड़न वाला सी, कद पटना साहब कितने छड़न वाला सी। माफ करना कोई अपनी जन्म भूमि भी छड़ता, जे पटना साहब छड़िया ते पटना साहब की एक ते मुड़ के पैर नहीं रखिया, नहीं ना रखिया, माफ करना नहीं रखिया। खालसा दी पौंटा साहब दरियाए जमुना के कंडे ते पहाड़ियां दे विच घिरिया, पौंटा साहब और जिस पौंटा साहब दियां गुरु की सगत रौनक, जिस पौंटा साहब के कुदरती नजारे पहाड़ियां दे विच घिरिया, पौंटा साहब कित छड़न वाला सी, जे पौंटा साहब छड़िया मुड़ के पौंटा साहब की धरती से पैर नहीं रखिया, वह आनंदपुर छड़न वाला सी। एक बारी कह दो पैर आनंदपुर छड़न वाला सी, माफ करना गुरु की संगत, जे आनंदपुर साहब छड़िया ना मुड़ के आनंदपुर साहब की ना धरती से पैर नहीं रखिया। की नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह दे कोल, कह दो पैर की नहीं सी। अज असी कह दें अमृत छक लीए, साडियां मजबूरियां ने गुरु प्यार, गुरु दियां मजबूरियां। बल्ले 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 खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा, गुरु साहब नूं कित्थों लंघना पिया, किहड़ियां मजबूरियां चों लंघना पिया। माफ करना गुरु की संगत कदे सोचिया इस्लाम दा राज होवे, बल्ले 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 की नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह दे कोल आनंदपुर साहब वर्गा तख्त। बल्ले बल्ले दस दी दो चार दिन पहला भी गल चली सी, माफ करना गुरु प्यारे आनंदपुर वर्गा जी का तख्त हो, गुरु कि महान हो सी जिदे सीस ते कलगी मारे चमका, उस गुरु की किड्डी शान हो सी। उस जमाने च ना कहते ने कलगी पातशाह जी महाराज के पवित्र सीस ते जो कलगी सी, कलगी दे विच जो हीरा सी ना, हीरा हीरा, उस हीरे की इन्नी कीमत सी, हीरा इन्ना घुमंडा सी। कहते ने हीरे नूं जे माफ करना, कहते ने जो हिंदुस्तान सत्त वारी बेच दिता जाता तो सिर्फ एक हीरा होता सी। जिन्हें दसम ग्रंथ सर्वलोक ग्रंथ जिन्ना वड्डा जिन्ना वड्डा इतिहास लिखे है खालसा जी महाराज, उस हीरे की रोशनी च लिखा करते सन। खालसा जी कह दो सीस ते कलगी बिजलियां नहीं सुनी आई, कह दो अगर बिजलियां नहीं सुनी आई, साइंस का युग नहीं सी, पातशाह जो इतिहास लिखते सन वो हीरे की इनी रोशनी सी। माफ करना खालसा जी कभी सोचा हैव यू थिंक एनी टाइम, और की नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह दे कोल। सिंघो माफ करना इहो जी कलगी, ते माफ करना गुरु प्यारे हो जरा ध्यान देना पवेगा। साध संगत जी की मैं सी जे सारी दुनिया के पापू कट्ठे कर दते जान, सारी दुनिया के फादर कह लो, पिता कह लो, प्यो कह लो, कट्ठे कर दते जान, सारी दुनिया के प्यो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज वर्गे ता की बनने ने, सारी दुनिया के बापू सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों के जोड़े वर्गे नहीं बन सकते। ठीक है ना, ठीक है ना, अपनी 9 साल की उम्र बंदा पदे पदे अपनी 4.5 साल की उम्र पटना साहब छड़ना त्याग की हद नहीं। माफ करना हो खालसा जी, एक इतिहासकार लिखता कहता केड़ी गल पिछे, कह दो राजा दशरथ चबारे तू छाल मार के मरिया सी, केड़ी गल पिछे, माफ करना केड़ी गल पिछे। कहिंदा राजे दशरथ नूं पता सी, कह दिओ गुरु, ओ कहिंदा राजे दशरथ नूं पता सी कि 14 साल का वनवास कट के राम लक्ष्मण ते सीता ने अयोध्या की धरती
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਤਾ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਭਾਰੀ ਕਈ ਸਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਛੁਡਾ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਆਹਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਪ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗੂ ਕੀ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਆਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜੇਗਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਸਮ ਮੁਝੇ ਰਾਮ ਕੀ ਕਸਮ ਮੁਝੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਸਮ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸਿੰਘੋ ਕਦੇ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ
मेरे सिंह जानते ने, मेरे बच्चे जानते ने, दिन का समा मेरा कीर्तन से गुजरता, कितने नितनेम से कितने सेवा विच, रात का समा मैं इंग्लिश दी बुक्स लैके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरी ट्राई है, मेरी कोशिश है कि सिखी नूं जूगा नूं तक जाके एक्सप्लेन करा। तुहाडी कोशिश है माता जाने पर असीं अमृत नहीं छकना। सोचता इतने बंदा खालसा जी माफ करना मर्द मैं हिम्मते हिम्मते खुदा सिंह बहुत मौका मिले चमकौर साहब खालसा जी और अगे इस अली यार खान का एक श्लोक कह लो एक शेर कह लो माफ करना लिखा और लिखता बड़े कमाल की गल कहता कहता कोई कहता कहता दुनिया के लोग एवं तीर्थ तीर्थ कही जाते हैं कह दो कहता दुनिया के लोग एवं तीर्थ तीर्थ कही जाते हैं आप भी कहने इन्हें तीर्थ ने कोई ठाठ कोई कुछ कहता नहीं एक मुसलमान होके उन्हें सच से पर्दा नहीं पाया कह दो एक मुसलमान होके उन्हें सच से पर्दा नहीं पाया आपा सिख होके कह दें कि आप सिख होके सच में झूठ बना रहे कह दो कह दू सच में झूठ बल्ले बल्ले आ कई लोग कह देंगे ने अमर छकौण समय बकरे झटकाए से बल्ले बल्ले गुरु असली सी के नकली सी जवाब दो दो जवाब गुरु असली सी के नकली सी जे तो गुरु हुंदा नकली फिर तो गुरु बकरे झटका देंदा पर असली गुरु नूं पखंड करन दी की लोड़ सी कह दो वैगुरु कोई पढ़िया लिखिया सिख इस गल का जवाब देवे जदों पंथ साजे है गुरु गोबिंद सिंह ने सटेज ते सिखां दे सिर मंगे चढ़ के बकरियां दे हां जी सिखां दे सिर मंगे चढ़ के बकरियां दे गुरु सटेज ते सिखां दे सिर मंगे ते पर्दे दे विच बकरे चटका देवे माफ करना इहदा मतलब कि गुरु झूठ बोलदा इहदा मतलब कि गुरु पखंड करदा बाणी विच सब तों वड्डा पाप झूठ नूं दस्सिया साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर झूठ बराबर झूठ बराबर पाप माफ करना जिहदा गुरु झूठ बोले उहदा सिख कदी सच नहीं बोल सकता इहदा मतलब कि गुरु पखंड करता थोड़ा जिहा अगे हो चलिए सपोज करो अंग्रेजी का शब्द है सपोज करो मन लो कि सर गुरु गोबिंद सिंह बारे बकरे झटकाए सी माफ करना मन लो सिर दत्ता बकरियां ने सिखी सानू किवें मिल गई फिर तां सिखी बकरियां नूं मिलनी चाहीदी सी माफ करना फिर मन लो सपोज करो गुरु के संगत गुरु साहब ने बकरे झटकाए माफ करना एदा मतलब आख्या करो स्टेजां ते जद कथा करदे हो कीर्तन करदे हो जद कदे अमर दी गल करदे हो आख्या करो कि सानू गुरु गोबिंद सिंह ने सिखी बकरियां दे सिर बदले दित्ती कहिंदे कोई क्यों नहीं कहिंदे एदा मतलब कि सानू सिखी बकरियां दे सिर बदले मिली है क्यों खालसा जी इहदा मतलब कि सानू सिक्की बकरियां दे सिर बदले मिली माफ करना गुरु ते कहिंदा जे तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली सिंह जरा ध्यान देना पवेगा आपा सिख होके माफ करना सिख होके ना आपा अज किधर तुर पे एक बारी फिर कह दूंगा गे आपा अज किधर तुर पे माफ करना गुरु के संगत बाणी ते किंतु परंतु माफ करना आपा सिख होके सच नू झूठ बना के बयान कर रहे हैं उन्हें मुसलमान होके सच नू किवें बयान चमकौर साहब गुरद्वारा कतलगढ़ साहब के सामने मेन ड्यूटी लिखा है जिते हजूर के बड़े साहबजादे शहीद हुए सन यह माफ करना यह मुसलमान यह मुसलमान गुरु किशन फकीर लिखता की कहता कहता दर्शकों के दर्शनों के लिए दर्शक कहते दर्शन करने वाला दर्शकों के दर्शनों के लिए कहता बस रोटी खाते खाते कह देना बस जिस तू अगे और नहीं कह दो कोई काम करते करते कह देना बस हो गई थक गए भी ए तू अगे होर काम नहीं कर सकते ठीक है ना वो अगे कहता बस दर्शकों के दर्शनों के लिए बस एक ही तीर्थ है जहां कह दर्शन कोई तीर्थ ना दर्शकों के दर्शनों के लिए बस एक ही तीर्थ है जहां एक बाप ने खुदा के नाम पे एक बाप ने खुदा के नाम पे बेटों के सर कटाए
एक बाप ने खुदा के नाम पे बेटों के सर कटाए जहां माफ करना आनंदपुर छड़िया मुड़के आनंदपुर दी धरती ते पैर नहीं छट रखिया आहा चमकौर दी गली छड़ी आहा कहंदा ने जाना तू प्यारे जग बंद ते समा क्या नहीं दे रहा जग बंद ते रात कुछ ढल सिखो सर्दी अपने तीर पे मार दी सी मेरे शहनशाह तंबू चू बाहर आए हालत दसा जो सच्ची सरकार दी सी खेरू खेरू हो परिवार गया लड़ी टुट गई लाला दे हार दी सी सामे तक अजीत चुचार सिंह सतगुरु करदे गल विचार दी सी चाली कोल है सुन चाली कोल है सुन पांच सात रह गए लड़के हो शहीद गए मल मेरे माफ करना चाली कोल है सुन चाली कोल है सुन पांच सात रह गए लड़के हो शहीद गए मल तेरे माफ करना ये जो फुल गुलाब दे थकदा है ये भी कोल नहीं होणगे कल तेरे खालसा जी तख्त ताज ने मालिक फौजा दे जरनैल बड़ी खुश होंदी है ओ बाजां वाले पातशाह ने जदों अपने पुत्तां दे सिरां ते मां दे सिरे बन्ने आख्या सी बेटा जी सिंह चुचार सिंह तुहानू इक गल सुणाऊं धन गुरु गोबिंद सिंह धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह आख्या बेटा जी सिया बेटा चुचार सिया तुहानू एक गल सुनावा आख्या पिता जी करो हुक्म पातशाह ने आख्या बेटा जी सिया चुचार सिया जदों मेरे पिता की शहीदी हुई ना मैं 9 बरिया दा सा बेटा जदों मेरे पिता की शहीदी हुई ना मैं उदों 9 बरिया दा सा मैं उदों 9 साल दा सा बेटा अजीत सिंह चुचार सिंह मेरी उम्र छोटी सी पर जदों मेरे पिता की शहीदी हुई मेरे पिता की शहीदी ने भारत के लोगों विच ना मेरा बड़ा ऊंचा सिर कर दिता जदों भारत की धरती के रहने वाले लोगों ने मैनू एक शहीद पिता का पुत्र कह के जदों भारत की धरती से वसण वाले लोगों ने मैनू एक शहीद पिता का पुत्र कह के बुलाया मेरे पिता की शहीदी ने मेरा सिर बड़ा ऊंचा किया आख्या बेटा मेरे पिता की शहीदी ने मेरा इन्ना सिर ऊंचा किया जदों भारत के लोगों ने मैनू शहीद पिता का पुत्र कह के बुलाया आख्या बेटा तुहाड़ियां कुर्बानियां मेरा सिर होर भी ऊंचा करन गईयां जदों तुनी भारत की धरती के वसण वाले लोग मैनू शहीद पुत्रां दा पिता कह के बुलाया करन शहीद पुत्रां दा पिता कह के बुलाया करनगे जाना तू प्यारे सिख चमकौर दी कड़ी च शहीद हो गए खालसा जी रोया रब त्रिलोकी कंब उठी जदों वारिया गया परिवार तेरा किते फते बुला के फते सिंह जी किते जूझदा जिठा चुचार तेरा किते फते माफ करना किते चढ़ के मौत दी अजीत घोड़ी किते जूझदा जिठा चुचार तेरा किते फते बुला के फते सिंह जी किते गजदा जोरा वार तेरा उदू हस के कह दशमेश लगे मेरे शहनशाह में शुक्र गुजार तेरा वाह पुत्रां दे दानियां कहंदे ने खालसा जी ध्यान देना पवेगा सिर ते ताज ना रहा हाथ ते बाज ना रहा चरना विच माफ करना गुरु की संगत ऐसा समा भी आया सी जदों चमकौर दी गड़ी नूं छड़ना सी चमकौर दी गड़ी दे अंदर पंज सिख रह गए ने पंज सिख केड़े केड़े गुरमुख प्यारे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह भाई संगत सिंह ते भाई संत सिंह खालसा जी मेरा ध्यान देना पवेगा इत्थे कहंदे ने गुरु दा राता देखो गुरु दा ख्याल वेखो गुरु दी विचार धारा देखो सिंह ते अपने मन विच भी जरा झातियां मारीए कहंदे ने जदों पंज सिंह रह गए ना चमकौर दी गड़ी च रात दे 12 बजे सन कहंदे ने पातशाह जंग दे मैदान विच जाण दी तैयारी कर रहे ने तैयारी माफ करना जंगी शस्त्र पस्त्र सजा रहे ने ते पंजां प्यारियां दे मुखी भाई साहब भाई दया सिंह होरां ने नाल दे साथियों नूं नाल लै के बेनती कीती गरीब नवाज हजूर आ की कर रहा है
किधर जाने की तैयारी हो रही है। गुरदेव लगे कण दया सिया जो मैं मात लोग की धरती से अवतार धारण करके आया स। सोचना जरा सिंह सोचना विचार करो आख्यो दया सिया जो असि ना मात लोग की धरती से ना अवतार धारण करके आए सी अपने पिता परमेश्वर पासों एक वर लैके आए सी। वर केड़ा वर केड़ा वर लैके आए सी अपने पिता परमेश्वर पासों एक वर लैके आए स। जह शिवा वर मुहे कहा शुभ कर्म ते कबू ना डरो ना डरो असो जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिख ही हो अपने ही मन को ए लालच हो गुणता उजरो। जब आप की औत निदान बने मैं अपने पिता परमेश्वर को एक वर लेके आया सा। ए मेरे पिता परमेश्वर ओ माय गॉड व्हेन एवर द लास्ट टाइम ऑफ माय लाइफ कम आई मस्ट डाई इन द बैटल ऑफ वार। जब मेरी जिंदगी का अंतम समा आवे मैं जंग के मैदान से जूझ के मरा मैं जंग के मैदान से जूझ के मरा। यह मैं परमेश्वर पास वर लेके आया सा कि जो मेरी जिंदगी का अंतम समा आवे मैं जंग के मैदान से जूझ के मरा। गुरु के ख्याल गुरु की विचारधारा सिंगो आप इन्ना कही करगिया वाले और असं की करना पर साढ़े एनी कृपा कर दौ साढ़े एनी दया कर दौ। बाजा वाले जो तू सा जिंदगी का अंतम समा आए साढ़े से कृपा कर दौ घटो घट तेरे सिख का बन के मर गए असी अमृता छके हरी खालसा जी। आह खालसा जी माफ करना पंजा प्योरे ने मुखी भाई दया सिंह होरां ने आह नाल ते साथियों ना लेके गुरु साहब के चरणों में बेनती की गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह अपनी मर्जी नाल जंग के मैदान में नहीं जा सकते कितनी वड्डी गल सी। धन सिख ते धन गुरु आख्या भाई दया सिंह होरां ने कलगियां वालिया एक दिन आप जी ने अमृत छकाउण समय वचन किए सन दया सिंह अज तो तुहानू पंजां प्यारिआं नूं अमर की दात दे के ना मैं खालसा पंथ का खिताब बख्शदा अज तो जो तुसी पंजे करिया करोगे वह मैनू मंजूर होवेगा। कलगियां वालिया जेकर आप शरीर करके बचे रहे साढ़े वर्गे स्वर्गे सैकड़े तक की साढ़े वर्गे लखा सिंह अमर छका के त्यार बार त्यार कर लोगे। गरीब नवाज गरीब नवाज टूडे खालसा डिमांड इट खालसा इस गल की डिमांड करता गुरु गोबिंद सिंह चमकार की कड़ी में छद के चले जाओ। धन सिंह धन गुरु माफ करना इतने गुरु साहब जग के मैदान से जूझना चाहते सन पर अपने हाथी साजे खालसा पंथ का हुक्म भी तो नहीं सी मोड़ सकते अज तख्त ताजा ने मालक ने कौन कहता असी तो कहने खालसा की इनी गल कहने गुरु तो अपने सिर की कड़गी भी सिख के सिर पर रख गया गुरु तो अपने कपड़े उतार के भी सिख को पहना गया हो। माफ करना खालसा जी जिन्ना मर्जी मियाँ बीवी का आपस में प्यार हो सिखो है तो थिंक एनी टाइम कि गुरु अपने सिख को कितना प्यार करता मियाँ बीवी का जिन्ना मर्जी आपस में प्यार हो। खालसा जी औरत मर्द तो मर्द औरत तो कुछ ना कुछ पर्दा रख लेंदी है तुहानू मनना पऊगा मनना पऊगा जिन्ना मर्जी भरा भरा का प्यार होवे एक भरा दूजे भरा तू दूजा एक तू कुछ ना कुछ पर्दा रख लेंदा ओला रख लेंदा। माफ करना मां धी का जिन्ना मर्जी प्यार होवे मां धी तू धी मां तू कुछ ना कुछ पर्दा रख लेंदी है। और सिंघा गुरु गोबिंद सिंह ने सातू की पर्दा रखिया होवे की पर्दा रखिया दुनिया पुतों की जायदाद बना पिछे मरती और कलगिया वाले ने पैदा पोती वाले कहते वाहे खालसा जी अपना पिता वाले अपनी मां वाली गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिख तो कोई पर्दा नहीं रखिया अज तक ताजा के मालिक खालसा जी कहते हैं इतिहास दसता भाई संगत का चेहरा मोहरा कद काठ रूप रंग फेस कह लो गुरु गोबिंद सिंह मिलता जुलता सी अज खालसा दे बेनती करन ते तख्त ताजा ने मालिक ने अपने जंगी शस्त्र बस्त्र उतार के भाई संगत सिंह दे पहना दिते अपने जंगी शस्त्र बस्त्र उतार के भाई संगत सिंह दे पहना दिते अज तख्त ताजा दे मालिक ने ओह कलगी ओए ओह कलगी ओए जिहदी कीमत हिंदुस्तान नूं सत्त वरी वेच दित्ता जाए ते बणदी सी कलगी उतार के सिख दा सिर ते टका दित्ती सिर ते ताज ना रहा हथ ते बाज ना रहा। आह कहते ने जंगी शस्त्र वस्त्र अपना के ना अपना के मां करना असी तो धीया भैन के ना धीया भैन के फेरे आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च दिने चौथे दिन डायवोर्स हो जाते हैं। याद रखना जेडे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च आनंद कारज लैके डायवोर्स करते हो ये
फैसले दरगाह विच होने नहीं जाके। माफ करना तीया भैन ने आनंद कारज गुरु की हजूरी तो दिता जाते हैं। और धन गुरु गोबिंद सिंह असि तो तीया भैन के फेरे ज आनंद कारज माफ करना तीया पुतों तीया जवाइया नूहां ज पुतों गुरु की हजूरी च दें गुरु ग्रंथ के चार फेरे गुरु ग्रंथ की परिक्रमा करने और धन बाजा वाला अपने सिख की परिक्रमा कर रहे कह दौ वाह धन बाजा वाला सिख का शीस से करगी टिका के सिख दे मैं कहता ना तुम कई कहते ने संत जी तुम बड़े जज्बात होने बोलते हो। मैं क्या सिखी ने जज्बात सिखी में जज्बात कड़ दीए सिखी का पता ही की रह जाता है। खालसा जी गुरु का जज्बात जिड़ी बाज का मुकाबला नहीं कर सकती कह दो वाहू धन गुरु गोबिंद सिंह कद गिद्दड़ शेर का मुकाबला नहीं कर सकता कद एक सवा लख नाल नहीं लड़ सकता पर गुरु के जवाब जज्बात देखो चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊ गिद्दड़ा कोड़ू शेर मराऊ सवा लख से एक लड़ाऊ तो मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊ। माफ करना जबकि शस्त्र बस्त्र भाई सब सगुर के पना के ते गुरु साहब समा थोड़ा है। खालसा जी भाई साहब भाई संघ सिंह की परिक्रमा करी जाते हैं नाले गुरु साहब भाई संघ सिंह वाल वेख के खुश होते जा रहे हैं। माफ करना भाई दया सिंह होरी लगे कि पातशाह अज बड़े खुश नजर आ रहे हो। माफ करना आख्या दया सिंह मैं खुश ना हो आख्या दया सिंह जिम्मे कि मां अपने नन्ने मुन्ने छोटे जे बच्चे का इशनान कराती उन्होंने नहाँदी तलाउंदी फिर खूबसूरत कपड़े पहनाउंदी मां बच्चे दे हार शिंगार लाउंदी फिर मां बच्चे पर वेख के खुश होंदी ओ दया सिंह मैं अपने सिंह नूं अज शस्त्र बस्त्र पहना के अपनी कलगी सिख दे सिर ते टिका के अज मैं वेख रहा अज मैनू भुलेखा पैंदा जा रहा है कि मेरा सिख गुरु गोबिंद सिंह है कि मैं सिख हाँ कि सिख गुरु है। वाह परमटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला दया सिंह आख्या जी दया सिंह खालसो मेरा रूप खास खास हूं मैं करूं निवास मैं इस करके खुश हो रहा आज गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह दे सिख विच कोई भिन्न भेद नहीं रहा नहीं रहा। सिंह माफ करना कहंदे ने अज तख्ता ताजा दे मालक कहंदे ने जदों चमकौर दी कड़ी लगे छड़न मारी ताड़ी जिथे गुरुद्वारा ताड़ी साहब बने होया कहदे गुरु ताड़ी मारी पर ना आनंद चमकौर की कड़ी छड़न समय हजूर ने अपने चरणों के चरणों का जोड़ा कटिया कह दो एक बार फिर कह दो एक बार फिर कह दो जब चरणों के चरणों का जोड़ा कटिया ना तो गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई दया सिंह आख्या बाजा वाले पोह का महीना से आप जानते पंजाब पोह च ठंड ज्यादा होती है आख्या बाजा वाले पोह का महीना पौधा महीना सर्दी की रुत खालसा जी ते जंगला पीया बाना उजाड़ा दे राह दे विचों दी हजूर लंघ के जाना कलगी जमा लिया कृपा करके चरणों विच जोड़ा ते पैन के लिख लो चरणों विच जोड़ा क्यों कढ़ के चले हो। माफ करना चरणों विच जोड़ा क्यों कढ़िया एक रात हनेरी सी दूजे आकाश रूप च बदल छाए हुए सन गुरदेव अगे कण दया सिंह लाशां दे अंबार लगे ने दया सिंह लाशां दे ढेर लगे हुए ने दया सिंह अपने ते पराए की पहचान नहीं हो रही सियान नहीं हो रही दया सिंह चरणों के पिछों जोड़ा इस करके कढ़िया। माफ करना दया सिंह जे चरणों में जोड़ा पहन के निकले ना माफ करना हनेरी रात दे विच हो सकता इत्थे लाशां दे अंबार लगे ने लाशां दे ढेर लगे ने दया सिंह हो सकता जंग दे मैदान च लड़दे लड़दे मेरे किसी सिंह सूरमे किसी संघ सूरमा का सिर तो दस्तार रह गई होवे यह भी बड़ी गल नहीं दया सिंह हो सकता दस्तार लैन तो बाद किसी सिंह सूरमे दे सिर ते कैस खंड रगाण दया सिंह जे चरणों में जोड़ा पहन के निकले ना दया सिंह हनेरी रात दे विच किते साडे चरणों का जोड़ा किसी सिंह शहीद दे किसे नूं टच ना कर जाए दया सिंह जे साडे चरणों का जोड़ा किसी संघ शहीद दे केसां नूं टच कर गया दया सिंह छू गया दया सिंह केसां दी निरादरी ते होवेगी किते केसां च पए अमृत दी निरादरी ना हो जे धन गुरु गोबिंद सिंह कंडियां दी हिक ते नंगे पैर चांदा प्रवान कर रहा खालसा दी छड़ दित्ता किते पुत्तां दा प्यार पिता दा प्यार किते मां दा प्यार किते पटना साहिब पौंटा साहिब आनंदपुर साहिब नहीं सी छड़िया नहीं सी छड़िया कह दूंगा
नहीं सी छड़िया, नहीं सी छड़िया। माछी पाड़े दे जंगलां विच जाके कंडियां दी हिक ते बह के, कंडियां दी हिक ते बह के नहीं सी छड़िया। अपने पिता परमेश्वर दा प्यार नहीं सी छड़िया, कंडियां दी हिक ते बह के आख्या सी मेरे पिता परमेश्वर वाहिगुरु की हो गया, की हो गया जे अज मेरा पिता कोल नहीं। मेरी मां शेरा वर्ग के पुत पटना पौंटा साहब के नागपुर के सुख कोल नहीं, तेरी याद ते मेरे कोल है, तेरी याद ते मेरे कोल है। मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहण, दुद्ध बिन रोग रजाइयां दे ओटण, नाग निवासां दे रहण। अज दा सिख पाशा ने आख्या तेरी याद ते मेरे कोल, अज दा सिख कहिंदा की हो गया, की कहिंदा अज दा सिख कहिंदा चंगे पै चार पैसे की कमाई मेरे कोल, माफ करना चार पैसे की कमाई मेरे कोल, खाने चंगी रोटी मेरे कोल, रहने वास्ते चंगी कोठी मेरे कोल, घर विच घर वाली चंगी बहुटी मेरे कोल, माफ करना ऐश लैण वास्ते चार पैसे मेरे कोल, की हो गया जे मैं अमृत नहीं छकिया। ते गुरु दे ख्याल वेखो ते अपने ख्याल वेखो, सारा सरबंस वार के दम दमा साहब की धरती ते पुजे। मां गुजरी माफ करना, सारा सरबंस वार के दम दमा साहब की धरती ते पुजे। आह खालसा जी ओ समा सी खालसा जी जदों सारा सरबंस वारिया गया, लखां दा कट महाराज दे महल माता साहब कोल ते माता सुंदरी पुछदे सन बाजा मारिया अज चढ़दी जवानी अजीत सिंह झुझार सिंह वर्गे पुत नजर नहीं आते, हुण ते व्याहुण वरन जोगे हो गए सन। पातशाह अज दुद्ध चुंघदे फतेह सिंह जोरावर सिंह नजर नहीं आते। माफ करना तुहाडे बापू ने बाह खड़ी करके आख्या सी साहब कौर सुंदरी इन पुत्र ने के सीस पर, ते तुहाडे चार पुत्तां दे जे तुहाडे चार पुत्तां दे सीस ना कटाउंदा भारत की धरती के वसण वाले अज तुहाडे लखां ते हजारां पुत्तां दे सिर नहीं सी बच सकते। माफ करना किसी बेपलादे दे दाद ना होवे। खालसा जी कोई भरा दे बच्चे नू, कोई साख संबंधी दे बच्चे नू, मित्र प्यारे दे बच्चे नू गोदी च लै लंदा, उन गोद च लिया पुत क्या जांदा। माफ करना कदे सोचिया गुरु गोबिंद सिंह दी गोदी च तां चार पुत सन, चार बे औलादा दूजे दे बच्चे नू गोदी च लैंदा, कदे औलाद वाला दूजे दे बच्चे नू अपनी गोद विच नहीं नहीं लैंदा, नहीं लैंदा। हैव टू थिंक एनी टाइम कि गुरु गोबिंद सिंह दे कोल तां चार पुत्तर सन, पुत भी इहो जे जिद एक पुत वर्गे सारी दुनिया दे पुत नहीं बन सकते। इहो जे चार पुत्तां दे होंदे होए कदे सोचिया कि गुरु साहब नूं साडे वर्गे नलायकां नूं अपनी गोदी च लैण दी लोड़ की पई। खालसा जी खाली भांडे च कोई वस्तु पैंदी आ, भरे भांडे विच कोई वस्तु नहीं पै सकदी, खाली गोद च कोई बह सकदा, भरी खूह गोद विच कोई नहीं बह सकदा। ओ सिंघा और तेरे कलगियां वाले ने होए, तेरे बाजां वाले ने, तेरे गुरु गोबिंद सिंह ने होए, तैनू अपनी गोद च बिठाउण तू पहला अपनी गोद खाली कीती, खाली ताकि तू कलगी धर दी गोद च बह सके। अपनी गोद खाली कीती, अपनी गोदी ने चारा पुत्तां नू तेरे तों कुर्बान कीता ताकि तू कलगी धर दी गोदी विच बह सके। खालसा जी आखिया सी इन पुत्र के शीश पर, इन पुत्र के शीश पर धीआं भैणां वाले हैं कह दिओ वाहिगुरू, वो पुत्तां भरावां वाले हैं। दुनिया के लोग व्याहां शादियां ते कोई धीआं दे सिरां तों, कोई जवाइयां दे सिरां तों होए, कोई भरावां ते भरजाइयां दे सिरां तों, कोई पुत्तां दे सिरां तों, कोई नूहां दे सिरां तों, आ रुपइयां दे सिरों वार नहीं करदा। और धन गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें अपने सिखां दे सिरां तों अपने पुत्तां दे सिरां दे सिरों वार नहीं अपने पुत्तां दे सिरों वार नहीं कीते। माफ करना सिंघो 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 गुरु की संगत कह दिओ वाहिगुरू, कह दिओ वाहिगुरू। माफ करना किसी भैन का पति रब नूं प्यारा हो जाए, उहदा पंज साल का बच्चा होवे ना, माफ करना लोग अफसोस करन वास्ते जांदे ने, सारे कहिंदे ने बीबा बेटा तेरे नाल होई ते माड़ी, लोग दलासा दिंदे ने, आस दिंदा ने आस, उस धी भैन कोल कादी आस, पति रब नूं प्यारा हो गया। बाणी च तुक आउंदी आ खालसा जी गोरी सेती टुटे पतार, पतार ना पति दा, जे औरत दा पति साथ छड़ जाए चढ़ाई कर जाए पुत्ती कंढ पवे संसार, उस औरत कोल कैड़ी आसा, कैड़ी आसा। गुरु गोबिंद सिंह दा तां सब कुछ जांदा लग्गिया सी, उहदे पर सिंह आसी आसी तां तेरी आसी तेरी आस, तू की कर रहा, तू गुरु गोबिंद सिंह दी आसा पूरियां कर रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह दे सपनियां दे पाणी फेर रहा सिंह। सोच लोग अफसोस करते बीबा
बीबा कोई नहीं भैने कोई नहीं बेटा नहीं कोई नहीं अड़िए नहीं कोई नहीं जे तेरा पति पति रब नू प्यारा हो गया नहीं हौसला रखनी थोड़े दिन की गल अजवान हो जाना कह पांच साल का बच्चा मां की आस है आह कहें पातशाह दसा किवें देंदे सन कह दो वैगुरु अपने पुत जाते लगे माता साहब कौर से सुंदरी ने जब पूछया गुरदेव ने आख्या साहब कौर सुंदरी इन पुत्र ने कह शीस पर इन पुत्र ने कह शीस पर यह तेरे पुतों के सिर नहीं सी पाजते जे थोड़े चार पुतों के शीस ना कटाऊंगा ध्यान देना पवेगा माता साहब कौर से सुंदरी ने आख्या जी आख्या सी बाजा वाले कलगियां वाले दुनिया से ना पुत्रा करके रहा दुनिया से ना पुता करके रहा चारे पुत कुरबान खाद से एक ते रख लेंगे कह दो वाहिगुरु आखिया चारे पुत कुरबान कर दते दुनिया ते ना पुता करके रहा गुरदेव ने आख्या सी साहब कौर सुंदरी और दुनियावी लोगों दी गल्लां ने कि दुनिया ते ना पुता करके रहा आख्या सी साहब कौर साहब कौर साहब कौर सुंदरी दुनिया ते ना पुता करके रहा दुनियावी लोगों दी गल्लां ने साहब कौर सुंदरी कद मेरे सिखा ममता भरिया निगाह वेखो जड़िया निगाह अजीत देख दया चुचार देख दया फतेह सिंह जोरावर सिंह देख दया तो एक अजीत नहीं लख अजीत नजर आएंगे एक चुचार नहीं तो लख चुचार फतेह सिंह लख फतेह सिंह लख जोरावर सिंह देखे खालसा जी जिन्हें निगाह अपने मां बाप को देखते हैं उन्होंने निगाह साहब गुरु गोबिंद सिंह माता साहब कौर तको तो सच बुझ गुरु गोबिंद सिंह अपना पिता नजर आएगा माता साहब कौर अपनी मां नजर आएगी गुरुदेव ने आख्या सी साहब कौर सुंदरी मर करना यह दुनियावी लोगों दी गल्लां ने कि दुनिया ते ना पुता करके रहिंदा आख्या सी साहब कौर सुंदरी तुहाडा ना दुनिया ते मेरे सिखा करके रहेगा मेरे सिखा करके रहेगा मेरे सिखा करके रहेगा सिखो सारे अमृत छको गुरु वाले बनो प्रधान साहब सैकटरी साहब इतने की मैनेजमेंट कमेटी सारी समूह सात संगत को मैं बेनती करना कि तुसी बहुत बड़ा गुरु घर बनाओ असी समा कट के आवेंगे खालसा जी चंगे चंगे गुरु घर बनाओ इन्हों बच्चों संभालो ये साडा विरसा हन कह दो वाहिगुरु ये साडा विरसा हन इन्होंने सिक्खी के नाम चार चंद लाने हैं आप सिक्खी के रास्ते चलो बच्चों चलाओ गुरसिख मीत चलो गुरचाली जो तुम गुरु घर की नहीं रखोगे असं समा भी लावे नोट तो थो संभाले नहीं रहने लोड़ है थोड़ा थोड़ा जहा दिल कट के तुरंत खालसा जी बहुत चंगा गुरु घर बनाओ माफ करना साहब संगत जी सज ते दवान रहे झूल ते निशान रहे पंथ महा राज के होइया भला की माफी इन्हें शब्द प्रवान फिर कभी समा बढ़िया आप जी के दर्शन करांगे समा कोई ज्यादा लग गया होना लग जाया करता समा लग गया तो लग गया लग गया तो लग गया अभी भी कई की करिए समा किसी भाका वाले का लगता एवं थोड़ा जड़े खड़े का लगता पर एक गल ना भुलना जिदा समा गुरु चरणों में लग गया ओदा दरगाह डंका वज गया खालसा जी मरण चलिया पातशाह जन्म सवार वाजा वाए सी होइया भुलों की माफी साध संगत जी कद अपने आप से तरस आवे कद अपने जीवन से तरस आवे अमृत छक के गुरु वाले बन के गुरु चरणों ने जुड़ना होइया भुलों की माफी हम अनंसा का पाठ रहेगा राम कली महला तीजा नंद कुंकार रूप प्रसाद अनंद पिया मेरी Oh,
ने शब्द प्रवान होइया पदां दी माफी तर कदी समा बनिया आप जी दे दर्शन करांगे अरदास होवेगी।